उज्जैन जिले में बैंक ऑफ इंडिया की दशहरा मैदान शाखा के ग्राहक के साथ एक अनोखी धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें ग्राहक को बैंक मैनेजर द्वारा पिछले 6 माह से बैंक के चक्कर लगवाकर परेशान कर दिया था, जिससे परेशान होकर ग्राहक माधव नगर थाने में 21/10/2019 को बैंक मैनेजर के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया था। आवेदन देते हुए फरियादी रेणु पांडे निवासी बांसखेड़ी तहसील घटिया जिला उज्जैन की होकर थाने में कहा कि मैं 3 साल पहले लगभग 30 लाख की कीमत का सोना बैंक में रखकर 9 लाख का लोन लिया था और इसके बाद फरियादी रेणु पांडे मई ब्याज लोन चुकाने गई तो बैंक मैनेजर ने पहले तो बहुत दिन बैंक के चक्कर खिलाए, उसके बाद यह दबाव बनाया कि तुम उस सोने की जगह नगद राशि ले लो। इस तरह का दबाव मैनेजर अनिल और बैंक के कर्मचारियों द्वारा फरियादी रेणु पांडे पर बनाया जा रहा था, जिसके बाद रेणु ने एसपी सचिन अतुलकर को आवेदन दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की। एसपी सचिन अतुलकर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत माधव नगर थाना प्रभारी राकेश मोदी को जांच के लिए कागज सौंप दिए। राकेश मोदी द्वारा जांच की जा रही थी कि इसी दौरान सुबह चोर ने बैंक की खिड़की में रेणु का सोना बैंक के अंदर फेंक दिया। बैंक मैनेजर अनिल ने बताया कि हम सुबह बैंक में आए तो यहाँ पर हमें एक पुड़िया मिली जिसमें लगभग 400 ग्राम सोना था, जिसकी सूचना हमने माधव नगर थाने को दे दी है और पुलिस की एक टीम जांच के लिए भी आ गई है। इधर CSP रविंद्र वर्मा का कहना है कि कुछ दिन से यह मामला पुलिस के पास आया था, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही थी कि सुबह करीब 6 बजे एक व्यक्ति बैंक की खिड़की के पास आया और बैंक में सोना फेंक कर चला गया, जिसकी पहचान की जा रही है। संभवतः वह बैंक का ही कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और CCTV फुटेज भी देख लिए हैं। व्यक्ति की पहचान जल्द ही की जाएगी। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। जो हम लोगों ने जब एक खोला ब्रांच खोला तब हम मैं मेरे साथ में रवि करके हमारा सबस्टाफ है और एक अंकित करके सबस्टाफ है। हम जब तीनों अंदर आए तो अंकित ने देखा कि चेयर पे जो है वहाँ पे एक पैकेट पड़ा हुआ है, तो उसने वो खोला, वो देखा तो उसने खोलने के बाद में पाया कि उसमें वो है गोल्ड है। तो मैंने उसको बोला कि कुछ भी खोलना नहीं, इसको ऐसे रख देना है ना। तो उसके बाद में हमने फिर हमारे जोनल ऑफिस को बताया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और फिर पुलिस को बुलाया। तो फिर पुलिस के तहकीकात चालू है। वो जो पैकेट जो है उसने वो खिड़की के माध्यम से अंदर डाला हुआ है। कोई सोना डाल के गया अंदर, कितने का कीमती होगा? वो तो 9 लाख का उसका लोन था, 12 लाख का वैल्यू था। जो खिड़की खुली हुई थी, क्या डेली रोज खुली रहती है? डेली खुली नहीं रहती है वो, तो वो उसने क्या पता नहीं उसने वो कैसे भी करके उसको खोला और डाल दिया। कुछ CCTV फुटेज में कुछ सामने आया अभी? CCTV फुटेज में वही जो डाला है वही आया हमारे, डालते हुए युवक दिखाई देता है, लेकिन उसमें मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि वो जो है उसने हुड पहना हुआ है, मतलब वो जर्किन पहना हुआ है, तो उसमें अपने को पता नहीं चलता। अच्छा, ठीक है सर, आपका नाम बता दें। अनिल करवंद में आया है। क्या पूरा घटना का? बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड लोन लिया था, महिला है, रेमो नाम की महिला है, उसने गोल्ड लोन लिया था। गोल्ड लोन चुकाने के बाद वो वापस अपना गोल्ड यहाँ लेने आया, तो गोल्ड यहाँ से गायब मिला। उसने आवेदन दिया था थाने में, उसके बाद हमने जांच करी। जांच के बाद आज ये सामने आया कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे के तकरीबन आया और लगभग 350 के ग्राम के लगभग सोना यहाँ खिड़की के थ्रो फेंक कर चला गया। तो अभी जाँच चल रही है, अब सामने आएगा कि वो व्यक्ति कौन था, किसका ही था। वो जो गोल्ड फेंके गया वो महिला का ही गोल्ड है क्या? वो महिला का ही गोल्ड। तो क्या क्या लगता है, कोई बैंक कर्मचारी हुआ जिसके? उसको पूरी जानकारी थी कि कहाँ से खिड़की टूटी हुई है और कहाँ से गोल्ड जो है हम अंदर फेंक सकते हैं। तो CCTV फुटेज में क्या, अभी CCTV फुटेज हम देख रहे हैं और उस संदेहियों का पता लगा है, तो उन संदेहियों के बारे में आगे पूछताछ की जाएगी और जल्दी मामले में खुलासा। तो सर बैंक कर्मचारी पूरे स्टाफ से पूछताछ की करेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और बहुत ही जल्दी इसमें मामले में खुलासा हो जाएगा। सर एक कुछ सवाल था, ये जो महिला का गोल्ड था कितना चोरी हुआ था और अभी जो फेंके गया वो कितने का? 456 ग्राम और लगभग 12 लाख कीमती सोना था और उसमें से लगभग 2.5 लाख 74 ग्राम का सोना कम अभी मिला। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे